ये लड़ाई अब बस। मैंने कहा था ना छोड़ना नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को प्रभास मूवी की बाहुबली तो याद ही होगी, जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया था। वो मूवी फिर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है दोबारा। उसी का सिक्वेल आ रहा है जो हमें सलार में देखने को मिलेगा। सलार बाहुबली से कनेक्टेड है, बताएंगे वीडियो के आगे। वीडियो को एंड तक देखें कैसे सलार बाहुबली से कनेक्टेड। बाहुबली में बल्लाल देव तो आपको याद हुई हो, जिस तरह से बल्लाल देव और प्रभास की दोस्ती दिखाई गई, उसी तरह सलार में पृथ्वीराज और शिवा की दोस्ती दिखाई गई है हुई थी। और सलार में भी कुर्सी के लिए ही लड़ाई हो रही है। आईने के सामने खड़े हो जाओ, एक तरफ बाहुबली दूसरी तरफ सलार देखने को मिलेगी, जो बाहुबली का अक्स ही दिखेगा सलार। आपको ये तो याद होगा, कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से राजमाता सुकामी ने मरवाया था। उसी तरह कुर्सी के लिए इसमें भी लड़ाई होगी, तो पृथ्वीराज कुर्सी के लिए लड़ाई करवाया। दो दिन पहले सलार का गाना रिलीज, जो दो दोस्तों के बीच की प्यार मोशन जाहिर करता है, जो हमें बाहुबली में बल्लाल देव में बाहुबली को में देखने को मिला। सेम वही गाना रिपीट हुआ है सलार मूवी जो में जो दिख रहा है वो है नहीं। प्रशांत नील ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जो कहानी को लेके, ये कहानी बाहुबली से निर्धारित दो दोस्तों की कहानी है, जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार, जो इमोशनल कहानी दिखाई जाए, एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाते हैं। इसमें स्टोरी का गेम छुपा हुआ है। जिसने भी ये गाना सुना है सब यकीन नहीं करेंगे, इन दोनों में भी दुश्मनी हो जाए, बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई जाएगी। आखिर फिल्म में क्या होने वाला है? प्रभास और पृथ्वीराज में बस में ही टकराएंगे? प्रभास और पृथ्वीराज का एंगल दिखा के पब्लिक को बेहोश कर देंगे प्रशांत नील? फिर दिमाग में मेरे आया, कटप्पा ने कैसे बाहुबली को मारा था, सेम वैसे ही इसमें ही होने वाला है सलार। और मैं कुछ ऐसा हुआ तो पब्लिक के होश ही उड़ने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस को में ही दीजिए। बाहुबली और बल्लाल देव सिनेमा में काफ़ी क्लासेस, एक बार में जो राजा मौली सर भी नहीं, एक बाहुबली और बल्लाल याद होगा, इसकी शुरुआत साफ दिखाया था। क्या पता फिल्म के बाद पब्लिक चैट हो जाए, बैठने के लिए जब से